वो लोग यहां जमा हुए थे। सिपाहियों, निशान तलाश करो, हमें मालूम करना है कि वो कहां गए हैं। जल्दी। जो हुक्म शहजादे। जनाब, जूतों के निशानात मिले, तुर्कमान जूतों, अंदाजा हो रहा है कि तादाद बहुत ज्यादा है। यानी उनकी तादाद हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा है। बिल्कुल जनाब, वो छुपकर ही काम कर रहे हैं, मंगोलों की तरह छुप के हमला करते हैं। एक राज की बात बताऊंगा तुम्हें, मंगोलों ने, सलेबियों ने देख रहे हो कि छुप कर हमला करना शुरू कर दिया है। वो पहले की तरह हमारा सामना नहीं करते हैं, वजह यह है हम ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सब ठीक है ना जनाब? वो जगह मिल गई जहां निशानात खत्म हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं उसके पीछे। मेरी बात सुनो गौर से। हम फैसल का पीछा करके कुछ नहीं हासिल कर सकते। कोई मसला नहीं, वो मजबूर है, लेकिन बाबा हम उस्मान का सर नहीं काट सके। जिंदा बच के निकल गया यहां से, और अब उसकी जरूरत तो देखें बाबा, वो सरदारान को अपनी पैद के लिए दावत दे रहा है। बोलिए बाबा, होता कौन है उस्मान? आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसे यनी शहर में ही दफना दूंगा, और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं किसी चीज की परवाह किए बगैर उनके महल में धावा बोल दूंगा। अहमद, मेरे हुक्म बजा लाओ ताकि तुम और उस्मान में फर्क जाहिर हो। बातों से कुछ नहीं होगा, अब हमारी तलवारें बोलेंगी। अहमद, बैठ जाओ, बैठ जाओ यहां। क्या तुम पागल जानवर की तरह उन पर हमला करोगे? महमद, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक ओहदा, एक तख्त छोड़ना चाहता हूं। जो तख्त पर बैठता है उसे मालूम होना चाहिए, अगर सुल्तान तलवार खींचने में उजलत दिखाए तो वो तख्त के काबिल नहीं, और तलवार निकालने का वक्त आ जाए तो वो अपने हाथ गंदे नहीं करता। कानिमास, कौन कौन जानता है संजाक्सिस ने उस्मान से बैत वापस ले ली? सिर्फ उस्मान ही जानता है सुल्तान, शर्मिंदगी की वजह से उसने ऐलान नहीं किया। महमूद, संजाक्सिस को खबर भेजो। क्या वो उस्मान को मारेंगे? सिर्फ उस्मान को नहीं, वो उन सरदारान पर भी हमला करेंगे जिन्हें उस्मान ने मधु किया है। सरदारान की गुजरगाह मुझे मालूम है, लेकिन भूलना नहीं, खबरदार महमूद, होशियारी से, वो तमाम तुर्कमान सरदार मेरे रूहानी और खूनी भाई हैं। ना सरदारों को और ना ही किसी सिपाही को नुकसान पहुंचना चाहिए। हमें सिर्फ उसका एतमाद खत्म करना है जो उस्मान हासिल करना चाहता है। किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सरदारान को यकीन हो जाएगा कि उस्मान ने उन्हें मौत की दावत दी है। ऐसे ही है, सही कहा।
अस्सलामु अलैकुम। और हान हाँ, तुमने कैसे ढूंढा मुझे? ये हमारे लिए बहुत आसान था, अब तुम इसका अंजाम देखोगे फैसल। तुर्कों का खून बहाने वाला नहीं भाग सकता है और ना ही छुप सकता है। उस्मान के वर्जन, तुम खुद मौत के पास आए हो, अब मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। इधर देखो, हम जिसे तलाश कर रहे थे खुद आ गया हमारे सामने। तो तुम भी यहां हो? हाँ आला, वक्त आ गया तुम सबका। जरा सब्र तो करो मंगोल। फैसल, तुम यहां से बचकर भाग नहीं सकते। दांत के बदले दांत, जान के बदले जान। देखते हैं आसमान, देखते हैं। आज तुम फैसल से नहीं वैसल इससे मिलोगे। हमसे जो टकराया वो जमीन तले दफन है, अब तुम भी टकराओगे हमसे। हिम्मत है तो आ जाओ आगे। सिपाही हो, देख क्या रहे हो, हमला करो इन पर। आ जाओ करो। मैं इंतकाम लेने फिर आऊंगा, चलो। चलो खड़े हो जाओ, जल्दी करो। अब भाग कर दिखाओ। हाँ बहुत आसान नहीं होगी तुम्हारी। उठ जाओ, अभी बहुत सा हिसाब देना है तुम्हें। क्या हुआ, बदला नहीं लोगे मुझसे? अपने आप को मत रोको उस्मान, मार डालो मुझे, खत्म कर दो यहीं। खड़े हो जाओ। हर सांस के साथ तुम भीख मांगोगे मरने के लिए, हर सांस के साथ। जाल में फंस चुका है और अब हम शिकारी बनकर उनका सामना करेंगे। लेकिन वाजे रहे, याकूब साहब का हुक्म है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। चलो भाइयों, इकट्ठे हो जाओ, ढाल बनाओ। ये लोग हैं कौन? संजोक्सिस लॉर, इन्होंने उस्मान की बैत की है। तो फिर ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं जनाब? तुर्कमान सरदार, तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे साथ क्या कर रहे हो?
क्या उस्मान साहब इस बारे में जानते हैं? हमें उस्मान साहब ने ही भेजा है। उस्मान साहब अजीम तुर्कमान सरदारों के लिए शानदार इस्तकबाल चाहते थे, और ये इस्तकबाल सरदारों के लिए आखिरी इस्तकबाल होगा। उस्मान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे कर सकते हो तुम ये? ये फरमान उस्मान सरदार का है। संजक सिस कोई बच ना सके आज। कान खोल के सुन नकाबपोश शैतान, मैं जब भी तेरी शक्ल देखता हूँ मुझे तेरी धोखा दही याद आती है काफिर। शुक्र करो तो मरे नहीं बुरान। चला बुरान, रुक जाओ, अभी ये जिंदा रहेगा। ये काफिर हमारे लिए खतरा है हुजूर। रुक जाओ, ये अभी नहीं मर सकता, इसे अपने इंतकाम के लिए नहीं अल्लाह की रजा के लिए मारेंगे। जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। अलाउद्दीन जिंदा वापस चाहिए। और हां जनाब, इसे मुकर्रा मुकाम पर ले चलो और अपने भाई को लेकर आओ। जो हुक्म जनाब। खड़ा हो जा, चल। बाइंदर सरदार, चलो तुम भी इनके साथ जाओ। जो हुक्म सरदार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम दरवेश अफंदे। अल्लाह की हिकमत देखें, मैं आप ही के पास आ रहा था और आप रास्ते में मिल गए। हर सफर में आप हमारी मेजबानी करते हैं। आप चलिए, इस बार हमारे साथ यानी शहर हमारे दस्तरखान को शर्फ बख्शिए। हमारे सरदारान के आने तक कुछ बातचीत कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मुझे आपसे कुछ अर्ज करना था, लेकिन खैर अब चलें, वहीं बात करेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बोरा जी जनाब, एक घोड़ा दो इन्हें। जो आपका हुक्म जनाब। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। मेरे साथियों हम पीछे हट रहे हैं। अल्लाह हू अकबर। याकूब साहब, आप लोग ठीक हैं? हम ठीक हैं, शुक्र है, शुक्र है। आप सही वक्त पर पहुंचे, अगर आप ना आते तो शायद हम आपको जिंदा नहीं मिलते। शुक्र, शुक्र अल्लाह का। ये भागने वाले क्या संजाक्सिस नहीं थे? वो संजाक्सिस ही थे। क्या उन्होंने उस्मान की बैत नहीं की थी? की थी जनाब, मगर उस्मान साहब इस हमले से क्या साबित करना चाहते हैं सुल्तान याकूब? उसका मकसद बिल्कुल वाज़े है, क्या आपने नहीं देखा? उस्मान सुल्तान बनना चाहता है, वो हर बेइस्तेमाल कर रहा है, वो हर उस शख्स को खत्म करना चाहता है जो उसके रास्ते में आएगा। सबूत वाज़े है सरदारान, सब कुछ साफ है। लालच ही काफी ना थी, अब उस्मान तरह तरह की चालें चल रहा है। हम कुछ भी करके उसे रोकेंगे, हम उससे इंतकाम लेंगे, हम उससे इसका हिसाब लेंगे। उस्मान ने फैसल को पकड़ लिया है सुल्तान। आला आला, आप लोग आए, मैं आपको हकीकत से आगाह करता हूं।
अब हम यानी शहर जाएंगे। हम उस्मान के सिपाहियों से हकायक जानने की कोशिश करेंगे। हम उस्मान को खबरदार करेंगे कि वो अपनी चालों से बाज आ जाए। चलें। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया मालूम खातून। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ लोफेरा। जी मैं सुन रही हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती ना? बिल्कुल लगता है आप मुझे पसंद नहीं करती हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरी बेटी। तुम मेरी बेटी जैसी हो लोफेरा, मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं करूँगी? हाँ अगर औरहान एक सरदार ना होता तो इस वक्त हम यहाँ शादी की बात कर रहे होते, लेकिन वो एक सरदार है। अपने वालिद के ख्वाब की पैरवी करना उसके मुकद्दर में है। अगर तुम दोनों की शादी होती है तो तुम एक सरदार की बीवी बनोगी। सारी ख्वातीन तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगी। इन लोगों को देखो जिन्हें तुम जानती तक नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनके सरबराह बन सकती हो? हाँ चलो मान लेते हैं कि तुम बन गईं। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक ऐसी औरत को कबूल करेंगी जो इनके मजहब से ताल्लुक ही नहीं रखती? बस यही एतराज है आपको कि मुसलमान नहीं हूं मैं? सिर्फ यही मसला नहीं है बेटी, मसला ये है कि तुम हमें कभी जान ही नहीं पाई। तुम हमारे रस्म और रिवाज को नहीं जानती। क्या मेरी और बालक की कहानी जानती हो? ऐसे सरदार से शादी की मैंने जो पहले से ही शादीशुदा था। सिर्फ एक औलाद, एक सरदार को दुनिया में लाने के लिए। एक दिन आया जब हमने इस ख्वाब के लिए अपनी जाने और ख्वाब कुर्बान कर दिए और अपनी तकदीर पर राजी हो गए। यही इम्तिहान है। मान लो कि तुम औरहान के लिए औलाद पैदा नहीं कर सकी, क्या तुम वो कुर्बानी दे सकती हो जो बाला ने दी थी? क्या तुम दूसरी बीवी के साथ रहना पसंद करोगी? क्या तुम औरहान के लिए, एक सरदार के लिए, हमारे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये सब कुछ तुम बर्दाश्त कर सकती हो और अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे सकती हो? बताओ होलोफेरा। मैं तुमसे नफरत नहीं करती बेटी, लेकिन मैं आज के बारे में नहीं कल के बारे में सोचती हूँ। यहां से चली जाओ। औरहान को इस वजह से अपने माँ बाप का दुश्मन ना बनने दो, यही बेहतर होगा हम सबके लिए। मेरी बातें तुम्हें मुस्तकबिल में समझ आएंगी। शहजादी आप ठीक तो हैं? सही कह रही थी तुम आंद्रे, मेरा और हान के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। चलो चलो जल्दी अंदर चलो। चलो चलो देख क्या रहे हो, चलो जल्दी। अब हर चीज का हिसाब देना होगा, चलो जल्दी। इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हो तुम। रुकना नहीं है, चलते रहो चलते रहो। गद्दार कहीं का गद्दार। ओ
चलो जल्दी। मेहमत साहब, हम उस गद्दार को लिया जिसे तुम लोग पकड़ नहीं सके। मेरे भाई को रिहा करो। और हाँ, सिपाहियों फैसल को ले जाओ। रुक जाओ, पीछे हटो, हम पहले इसकी बात सुनेंगे। सिपाहियों अलाउद्दीन को ले आओ। रुक जाओ। बेटा, शुक्र अल्लाह का। मैं ठीक हूँ। मेरा भाई, मेरे अल्लाह का शुक्र है। तुम ठीक हो ना? मेरा बेटा सिपाही। भाई, शुक्र है खुदा का। बोलो फैसल, बोलो तुम किसके आदमी हो? किसने भगाया तुम्हें? किसने मदद की थी तुम्हारी? इसका असली नाम तो पूछ लो पहले इससे, उसके बाद शायद ये बोल पड़े। ऐसे ही है ना? कितने नाम है तुम्हारे, कितने चेहरे हैं? मेरे बहुत से नाम हैं। किस नाम से पुकारना चाहोगे मुझे? तो तुम एक प्यादे हो वासिलिस, तुम उन लोगों के प्यादे हो जो खुद आगे आने से डरते हैं। मैं कदीम रोम हूं। बताओ जरा वासिलिस, कौन है तुम्हारा सरदार? बताओ। कदीम रोम एक दिन वापस लौटेगा और तुम वो देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैं मार डालूंगा तुम सबको। तो तुम हम सबको मार दोगे? बिल्कुल। तुम आसान मौत नहीं मरोगे, तुम आसान मौत नहीं मरोगे। याक, आपने यहां आकर हमें शर्फ बख्शा है दरवेश अफंदी। कोई बात नहीं उस्मान साहब, बात यह थी कि मैं बहुत थक गया हूं, बहुत तकलीफ में हूं मैं, और बहुत गुस्से में भी, बहुत तंग हूं मैं। हमारे बड़े फरमाते थे, जो गुस्से में रहता है वो तकलीफ में रहता है। तो एक मिसाल सुनिए, असाबा की बात करते हैं। जी जी जी। वासिलिस इधर देखो, मेरी आंखों में देखो वासिलिस। तुम्हें एक राज बताना है मुझे, न सिर्फ बाजंतीनी रियासत, हम लोग तुम्हारी मगरबी सरहदों तक आगे बढ़ेंगे, यहां तक कि उससे आगे हम अपनी जबान राइज करेंगे और वहां अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे।
और अजान की आवाज हर वक्त गूंजेगी सलेबियों के दिल में। और हाल तुम सिर्फ ख्वाब देख रहे हो। मैं यहां से बचकर निकल जाऊंगा। तुम बचकर जा सकते हो यहां से? हाँ ऐसा ही होगा, तुम सबको जला डालूंगा मैं। उठाओ इसे, सीधा करो इसे। तू गलीज काफिर। इसका मुंह कैसे खुलवाना है जानता हूं मैं। सिपाहियों इसे पिंजरे के खेमे में ले जाओ। याकूब साहब के आने तक इसके साथ ही रहना। हाँ लेकिन मोहतात रहना, दोबारा ना कहीं भाग जाए मेहमत साहब। अपने काम से काम रखो रोहान, सुन लिया? और हान चलो यहां से। चलिए चलते हैं वालिदा। अलाउद्दीन आ जाओ, फातिमा तुम भी आओ। मैं बाजार के चौराहे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। अब अगर आप कहें कि ऐ दरवेश आपने हमें किस्सा तो सुनाया लेकिन इसके पीछे ऐसी क्या खास वजह थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर आपकी नीयत रजा इलाही के लिए है तो बेशक आपकी नेकी से बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। कौन जानता है कि आप बहुत से काफिरों के बदलने के लिए वजह बन जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये किस्सा मैंने इसलिए बयान किया ताकि हम आपके रहम और गुस्से को जान सकें। बेशक इस गुस्से की कोई कीमत नहीं जब तक वो अल्लाह ताला के लिए वक्फ ना हो, वही दीन का हुस्न है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी जुबान मुबारक हो इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब एक अहम बात बतानी है आपको। रुकिए, परेशान नहीं हूं, आप तशरीफ रखिए। जनाब क्या है? सरदारान पर हमला हुआ है। और ये करने वाला कौन है? किसने किया हमला? संजक्सेस लार ने जनाब। क्या संजक्सेस ऐसे क्यों करेंगे हमला? शुरू से बताओ मुझे क्या हुआ था। उनसे नाम पूछा गया जनाब, उन्होंने आपका नाम लेकर हमला कर दिया। क्या? फिर याकूब साहब उनको बचाने पहुंच गए। याकूब साहब, याकूब, अगर कोई सरदार ही ऐसा हो तो किसे दुश्मन की जरूरत है? क्या है मुझे गद्दार साबित करना चाहते हैं? तो ये सोच है उनके, ये खेल रचाया उन्होंने। क्या अब वो बाजार पर भी हमला करेंगे? नहीं, वो हम पर हमला करेंगे। मेरी बात सुनो गौर से।
समझ नहीं आ रहा कि कैसे बयान करूं तुमसे। मदरसे वाले? ओ, खुशामदीद चाला खातून। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ऐसा क्या जो बाजार में नहीं कह सकते थे? हमने काफी अरसे से घुड़सवारी की दौड़ नहीं लगाई। लगता है कि तुम डर गई हो मुझसे। तुमसे डरूंगी? इस बार तुम्हें शिकस्त दे के रहूंगी मदरसे वाले। अच्छा, तो फिर ये भी जान लो कि दौड़ में मैं ही जीतूंगा और मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या मांगोगे? जब मैं जीतूंगा तभी बताऊंगा। हम उस पहाड़ी पर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। जो पहले आया वो फाते होगा। अच्छा, चलें फिर। तो चलो। चलो फिर देखते हैं चाला। अब सरदारान इल्जाम के साथ हमारी तरफ आएंगे और वो गुस्से में होंगे, लेकिन हमें पुरसुकून रहना है। सुकून हमेशा गुस्से को शिकस्त देता है, बस वो अपनी हद से तजावुज ना करे। वो उस पर भी काबू पा लेंगे तो हम उनसे काम लेंगे। तुम्हें से कोई मेरे हुक्म के बगैर तलवार ना निकाले। शामिल, इन सरजमीनों में हवा पुरसुकून नहीं है। ये बताओ शोशा के हालात क्या है? शोशा में सब कुछ ठीक है जनाब। मैं शोशा से आपके लिए सलाम लाया हूँ। वालेकुम अस्सलाम, हमारी तरफ से भी शोशा को सलाम हो। शुक्रिया हुजूर। तो चलो अब देखते हैं कि हमें अब सरदारान की तरफ से सलाम आएगा या फिर कोई मुसीबत आएगी। देखते हैं। मैंने कहा था कि मैं जीत जाऊंगा चाला खातून। तुम्हें जानबूझकर जीतने दिया है मैंने। मेरे सामने शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकोगे ना तुम। अच्छा ऐसा है? शायद तुम जीतना ही नहीं चाहती हो, मगर आज ऐसा नहीं है। आज तुम्हें हराना जरूरी था। बोलो क्या मांगोगे? तुम क्या सोच रही हो? कोई गड़बड़ करने का सोच रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। रुको जरा। ये दौड़ मैंने जीती है, जो मैं कहूंगा वही होगा। क्या ये फूल वाला रुमाल तुम्हारा है? तुम्हारे पास क्या कर रहा है ये? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैं जा रही हूं। गोंजा, मत जाओ। मदरसे वाले अगर जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैं बस तस्दीक कर रहा था।
आप असलियत जानते हैं। मगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते मदरसे वाले। मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, इसीलिए तुम पर शक किया मैंने। लेकिन ये कुछ और बात है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बयान करूं तुमसे। गुंजा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा दिल तुम्हें हर रोज याद करता है। मैं अब अपने दिमाग या किसी की नहीं सुनता, मैं अपनी बात भी नहीं सुन सकता गुंजा। मैं काफी दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं गुंजा। आपने मुझे बुलाया मलून खातून? आओ मेरी बेटी, आ जाओ। मेरे बेटे को तुमसे कुछ बात करनी है। और हान बेटा, जरा इधर भी देख लें। चलो आ जाओ बेटा। कल के लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूं आपसे। हेलो फेरा, मैं तुम्हें हमेशा उदास देखता हूं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को हमेशा मुस्कुराना चाहिए। औरहान, रुक जाओ। वालिदा, मत रोके। मैंने कहा नहीं औरहान। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे कहूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं हलोफेरा। वालिदा, मैंने आपसे कहा मत जाए। नहीं, आसिमा बेटी, अपने वालिद से कह दीजिएगा कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। जी मैं कह दूंगी मलून खातून। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काम पर वापस जाऊं। इजाजत है मेरी बेटी, जा सकती हो। मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी मेहमद साहब। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप समझ सकते होंगे। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरा तोहफा कबूल कर ले।
और जब तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, खूबसूरत हॉल ऑफ एरा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी मेहमत। अरहान बस कर दो बेटा, बहुत हो गया। मुझे जाने दे वालिदा। मैंने कहा अरहान रुको, तुम हमें लोगों के सामने रुसवा ना करो, होश में आओ, तुम एक सरदार हो। होलो फेरा भी यही चाहती है, क्या नजर नहीं आ रहा? वालिदा आपको ये बात मालूम है, मेरा और होलो फेरा का रास्ता एक ही है। होश में आओ अरहान, अभी नहीं। खुशी हुई आपको देख? हमें खुशी नहीं हुई उस्मान साहब। आपने सरदारों को चोरों की खुराक बनाने की कोशिश की और जब नाकाम हो गए तो मुसल्ला होकर हमारा इस्तकबाल करोगे। यहाँ जो भी आता है उसका इसी तरह इस्तकबाल करते हैं। हमने सोचा आप गफलत की नींद सो रहे हैं याकूब साहब। हमें बहुत गुस्सा था कि उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप जो सुनना नहीं चाहते उसके लिए बहरे हो, जो देखना नहीं चाहते उसके लिए अंधे हो गए। चलो मैं अंधा हूं, क्या ये सरदार भी अंधे हैं? सब हकीकत जानते हैं, आपने जाल बिछाया हमारे लिए। हाथों में ढाल उठाए हम जर्रा पहने हुए हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये बहुतान से बचने के लिए काफी नहीं होगा। दुश्मन के खिलाफ तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर है जो दुश्मन, उसके खिलाफ हम लोग तदबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कम से कम आप अपने आप को जानते हैं। सरदारान ने आप पर भरोसा किया उस्मान साहब, और आपने इन्हें इस सूरत हाल में डाल दिया। मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं आपको भी जानता हूं याकूब साहब। मेरे सरदारान, आप भी तो कुछ कहिए ना, क्या किसी ने भी आप में से यह नहीं कहा कि उस्मान सरदार ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते? हाँ, क्या किसी ने नहीं कहा? जरा बताइए। तो आपको भी शक हुआ, दिमाग उलझा हुआ। ठीक है, आप फिक्र मत करें, आपके दिमाग में जो भी शकों की शुरुआत है हम उन्हें दूर करेंगे। सिपाहियों बंद करो दरवाजा।
समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। हमें यहाँ से फौरन निकलना। तुम ये क्या कर रहे हो अरहान? चलो मेरे साथ। जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चलो जल्दी। वहाँ क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे अरहान, मैंने कहा मुझे छोड़ो। बैठो जल्दी। अरहान, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बैठो। ये लड़का क्या करना चाह रहा है? होला फेरा को लेकर जा रहा है। अरहान, अरहान रुको। अरहान, अब नहीं रुकूंगा और तुम में से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। गलती कर रहे हो, पछताओगे। ये यहां से जाने ना पाए। या वालिदा। अरहान, या अरहान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरहान, अरहान, वालिदा रुक जाए। अरहान, वालिदा, अरहान, ये क्या कर दिया अरहान, क्या कर दिया? नेहमत को उसके पीछे जाना ठीक नहीं है। जाओ तुम भी, जाओ पीछे, चलो। अल्लाह, ये अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। चलो जल्दी करो, जल्दी जाओ। आपने अच्छा खेल तरतीब दिया याकूब साहब, मगर हर किसी की अपनी चाल होती है। जब तक के गर्दनों पर तलवार न रखी जाए। आपके सर पर आने वाली आफत पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगी उस्मान साहब। जबकि आपका दुश्मन एक है, ऐसा ना करें उस्मान साहब। क्या आप मुझे अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत कर सकते हैं, बताइए। दरवाजे बंद करने का क्या मतलब है उस्मान साहब? दस्तरखान सजाएंगे, खाना खाएंगे और उन मौजूदात पर जहां गुफ्तगू होगी जिनके बारे में होनी चाहिए, चाहे हमारे दरमियान बिन बुलाए मेहमान ही क्यों ना। जो कोई भी मसला है आज यहीं हल किया जाएगा। मेरे सिपाही संजाक्सिस को लेने गए थे, जरा वो पहले आ जाए, उसके बाद उन लोगों से ही जानेंगे कि उन्हें हुक्म किसने दिया। याकूब साहब ने या फिर उस्मान सरदार? गुस्ताखी की बहुत भारी कीमत अदा करोगे उस्मान। तुम देखोगे सुल्तान को असीर बनाने का मतलब क्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन पहले संजक सजा जाए जरा, उसके बाद देखेंगे कीमत कौन चुकाता है। हम देखेंगे वक्त आने पर कौन सरदार है, कौन सुल्तान। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सुन रहे हो तुम? कभी भी नहीं। खामोश रहो, तुम तकलीफ पहुंचा रहे हो मुझे। मैं तकलीफ पहुंचा रहा हूं? हाँ, तुम उस वक्त मेहमत को हाँ कहने वाली थी। पता है मैं क्या सोच रहा था? कि तुम उस वक्त वो अंगूठी मेहमत के मुंह पे मारोगी। मगर तुमने क्या किया हुलोफेरा? क्या किया तुमने? तुमने तो उसे मना तक नहीं किया। हुलोफेरा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं?
अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने मुझे दूसरी दफा अगवा किया है। और हाँ, अगर तुम यही करती रही ना तो तीसरी बार भी अगवा हो जाओगी तुम। और हाँ, समझ क्यों नहीं रहे हो, हकीकत क्यों नहीं देख पा रहे हो? सब देख रहा था, उसके अलावा अगर कोई हकीकत है तो बताओ ना मुझे। ठीक है तो फिर सुनो, हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। मैं सिर्फ एक ही हकीकत के बारे में जानता हूं और इस वक्त मेरे सामने खड़ी है वो। तुम आज के बाद से सरहदी बाजार नहीं जाओगी, हम शादी करेंगे। ओ, ओ, ओ। और हाँ, अपनी हद मत भूलो रहान। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? हाँ, क्या तुम पुरसुकून नहीं रह सकते? मैं मत गोंजा, तुम क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? तुम ऐसे खामोश क्यों हो? या फिर तुम नहीं अलाउद्दीन, यानी मैं भाई 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 ओ फातिमा, खैरियत तो है भाई? और हान भाई होलोफेरा को बाजार से भगा कर ले गए हैं और मेहमत साहब अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे गए हैं और हान भाई अकेले हैं। अगर वक्त पर कोई ना पहुंचा तो बहुत बुरा हो सकता है भाई। ठीक है, चलते हैं। मैं भी आ रही हूँ, मेरे अल्लाह हिफाजत फरमा। सरदारान, क्या लगता है कि आपको मारने के लिए संजाक्सस को मैंने भेजा होगा? बताइए जरा, क्या लगता है बताइए। क्या वजह है, मैं रुका क्यों? हा, तुम साए में रहकर अपने खेल खेलते हो उस्मान। संजाक्सिस के मामले में तुम्हारा कोई भी सिपाही तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा होगा। अगर आप अपने अल्फाज पर कायम हैं, तो ये दरवाजे खुलवा दें, लेकिन आप मसला पैदा कर रहे हैं। दुश्मन की सरजमीन पर हैं आप क्या? हाँ, आप हमारी मेहमान नवाजी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खाना खाएंगे। फिर खाना खाने के बाद क्या होगा, अल्लाह ही जानता है। बस वासिल इसको पीछे छोड़ दिया, अच्छा नहीं हुआ। मंसूबा बनाओ कोई और घेर लाओ उसे, वो अभी तक जिंदा है। खैर बुलाए जो मैंने तुम्हें कहा था। ले आया। महसूल तुम्हारा। मुझे लगा हम मुत्तहिद हो गए। यहां अरले खान के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता। हम मंगोलों को किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत है। हथियार कहां है?
तैकफूरों को इत्तला दे दी गई है, वो काफिला तैयार करवा कर जल्द ही रवाना कर देंगे। वो बाजंतीनियों का लश्कर तैयार करेंगे। वैसे तुम एक होशियार इंसान हो, सही रास्ते पे हो तुम। कमांडर, तमाम सरदार उस्मान के शहर में जमा हैं। उस्मान और याकूब के बेटे जंगल में नजर आए हैं। चलो अभी चल के उनकी जान ले लें। इसकी जरूरत नहीं। तुम एक ताजिर हो ना, तो फिर तिजारत करो। तलवार मैं चलाऊंगा। करना है तो उनको सिर्फ गुमराह करो और कुछ नहीं। तो ठीक है, चलता हूं मैं। और तुम ऐसे ही जारी रखो अपना काम। सिपाही चलो आ जाओ। सोना उठा लो यहां से। चलो। आपके सिपाहियों ने अब तक सिंजाक्सिस को शिकस्त दे दी होगी है ना उस्मान साहब? चलो अंदर चलो। चलो, तुम लोगों ने अजीम तुर्क सरदारों के खिलाफ तलवार खींची, अब या तो तुम लोग अपने हथियार डालोगे या मैं अपने सरदार के हुक्म से तुम सब लोगों को यहां तबाह कर दूंगा। बदबख्त, चलो चलो। गलती करने वाला है, गलती की कीमत अदा करता है। आखिर होते कौन हो सरदारान को जाल में फंसाने वाले? हाँ, यहां तक कि ये बोला तुमने कि ये हुक्म उस्मान साहब ने दिया था, तो मुझ पे बहुतान लगा रहे थे। हाँ, मेरे अल्फाज, तलवार की धार है। तुमने जो किया उसकी कीमत अदा करोगे। उस्मान साहब रुक जाइए। हमें यह पैगाम मौसूल हुआ था, यह आपके नाम से आया था और हमने अपना काम किया। तमाम तुर्कमान सरदार कल जैनी शहर आ रहे हैं, तुम लोग रास्ते पर उन पर हमला करोगे। ईश्वर मोहर तो है नहीं, ये किसका काम अंजाम देने के लिए जा रहे थे? हाँ, वो जो गद्दारी का मुर्तकिब है वो इसकी कीमत भी अदा करेगा। क्या आपके महल में गद्दार मौजूद नहीं था?
लगता है सिर्फ वही गद्दार नहीं, जब उसने ये सुना कि आपने सरदारान को बुलाया है तो उसने हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए ये खेल खेला। शामिल। जी जनाब। कैद कर दो इन्हें, इनसे बाद में हिसाब लूंगा। जो आपका हुक्म जनाब। तुर्कों के खिलाफ तलवार उठाने का नतीजा क्या होता है अब भुगतना। ले चलो इन्हें। उस्मान साहब, आपने यहां सरदारों को क्यों बुलाया और वो भी इनके सुल्तान को बताए बगैर? शेवाज़े हो चुका है। आपका सुल्तान होना कबूल नहीं मुझे। मेरा रहम हमेशा के लिए नहीं है उस्मान। मेरा भी याकूब साहब, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत ले। वो दुश्मन है यकीनन जो अंदर रहकर गद्दारों के सहूलतकार होते हैं। अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? जंग की तैयारियां शुरू करेंगे, मैदान को सजाएंगे। उस्मान साहब, आप ख्वाब देखना छोड़ दें। इतनी रियासतों को तबाह करने वाले मंगोलों के खिलाफ हम क्या करेंगे? मुट्ठी भर हैं हम, और जबकि हम अभी मुत्तहिद भी नहीं, हम मंगोलों का सामना करेंगे क्या? ये तो आजादी की जंग है याकूब साहब, आसान नहीं होगी। तादाद कम जरूर है लेकिन फतेह हम ही होंगे। आप ये भी जान लीजिए, दुश्मन के खिलाफ खड़े होने वाले लश्कर के सरबरा आप नहीं होंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने बहुत गलत किया उरहान, गलत किया है। अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? आवाज नीची रखो, तुम यहां से चले जाओ मेहमत। हेलो फिरा, क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो? बहुत हो गया, इस लड़ाई में हरगिज नहीं पड़ना चाहती हूं मैं। चुपचाप खड़ी रहो तुम। हलो फिरा तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती उरहान, बेहतर होगा छोड़ दो इसे। हलो फिरा यहां से मेरे साथ आई थी और यहां से मेरे ही साथ जाएगी। अगर तुम्हें इसे यहां से ले जाना है, आकर पहले मुझसे मुकाबला करना होगा मेहमत। तो ठीक है फिर, आओ मैं तुम्हें रोनता हूं, आओ। अब कौन किसको हराता है देखा जाएगा। मेरे मोहतरम वाले जानदार की शहादत के बाद अगर कोई सुलह करना चाहता है उसके लिए राजी नहीं हूं मैं। सरदार उस्मान ने जब मुझे यहां बुलाया तो मुझे मालूम था कि हम जंग के लिए आ रहे हैं यहां पर। मैं सरदार उस्मान के हरदम साथ हूं।
ये होता है तुर्क बहादुर, तुर्क सरदार। तो आपके पास कितने सिपाही हैं सुलेमान साहब? आपके वालिद बहुत एहतियात से काम लेते थे। जोशीले हो तुम। मेरे लिहाज से जंग के मैदान में एहतियात से काम लेने वाले कामयाब नहीं होते। मेरे पास 7,000 सिपाही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आला, आला। और अगर उस्मान साहब 10,000 सिपाही लाते हैं, उसके बाद मौत की तरफ चले जाना। सुल्तान का असल काम अपने लोगों को जिंदा रखना है। मैं आप लोगों को इसकी इजाजत नहीं दे सकता। होश में आए, क्योंकि उस्मान साहब अपनी बैत करवाना चाहते हैं और सिपाहियों की कमान चाहते हैं, तो ये ऐसी चीज नहीं जिसका फैसला हम अपने कदमों पर कर सके। कल सरहदी बाजार में दीवान होगा, और हाँ, सब इस पर गौर से सोचेंगे। हर शख्स अपने फैसले की वजाहत करेगा। दुरुस्त कहा आपने याकूब साहब, लेकिन दीवान सरहदी बाजार में नहीं, मेरी बताई हुई खुफिया जगह पर मुनक्किद होगा। इसे खुफिया इसलिए रखा ताकि ना तो कुफार और ना ही हम में से कोई साजिश कर सके। अब कोई साजिश वगैरह नहीं उस्मान साहब, जो भी होगा आमने सामने होगा, ताकि ये वाज़ह रहे कि हमें क्या करना है। ऐसा ही होगा याकूब साहब, ऐसा ही होगा। सिपाहियों, रुक जाओ। रुक जाओ, ऐसा मत करें भाई, पुरसुकून हो जाए भाई। हट जाओ अलाउद्दीन। भाई ये क्या कर रहे हैं? तुम बीच में नहीं आओ, हट जाओ। और हार को आज सबक सिखाना है, हट जाओ। नहीं, वो तो देखा जाएगा कौन किसको सबक सिखाता है। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया ये सब कुछ। उस्मान और याकूब की औलादे आज आखिरी सांसें लेंगी। लड़ना चाहते हो ना मुझसे, तो फिर आओ, देखते हैं जिंदा कौन बचता है। खवतीन को भेज दिया जाए तो अच्छा। मैं भागने वालों में से नहीं, मैं यहाँ अपने भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से, इनकी तादाद बहुत है, इसे भागना नहीं कहते। जाकर मदद बुला के लाओ, जाओ। जाओ फातिमा, गोंजा तुम भी जाओ। जाओ गोंजा, जाओ। आगे आओ, आओ ना। कुचल दूंगा एक एक करके। Ah!
ملعون خاتون، صاف ظاہر ہے کہ اوران صاحب اس رشتے کے لیے راضی نہیں۔ اس سے پہلے کے لوگوں کی باتیں ہمیں مزید دکھ دے۔ میری بات سنو بیٹی، تم ایک قابل فخر لڑکی ہو۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں خود اس مسئلے کو حل کروں گی۔ کون سا مسئلہ حل کرنے جا رہی ہیں ملعون خاتون؟ میرے بازار سے لڑکی اغوا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سعادت خاتون، آپ سے کس نے کہا کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے؟ بلا وجہ افواہیں نہ پھیلائیں۔ افواہیں پھیلانے سے صرف میرے خاندان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس لڑکی کو تمہارا بیٹا اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا ہے، اس لڑکی سے میرا بیٹا شادی کرنے والا ہے۔ یا اللہ صبر دے، دعا کرے کہ آپ کا بیٹا کوئی خیانت نہ کرے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خیانت کیا ہوتی ہے یہ تم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تم لوگ جو کر رہے ہو یہ جنگ کی وجہ بنے گی، جنگ کی۔ سعادت خاتون، اس کو بھی بے وقوف بنایا تم نے۔ تمہارا بیٹا اور ہاں کسی اور لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولیں سعادت خاتون۔ آرنس خان کا غضب تم پہ نازل ہوا ہے، شیطان تمہاری روحیں لے جائے گا۔ جیسے ہی تمہارا سر اترے گا یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ مزاحمت نہیں کر سکتے، پیچھے ہٹنا ہوگا ہمیں۔ سپاہیوں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ چلو اور ہاں چلو، جنگل کی طرف بڑھیں گے، جلدی۔ فاطمہ، والدہ، والدہ کیا ہوا؟ فاطمہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ منگولوں نے حملہ کر دیا۔ کیا گونجا، ہولوفیرا تم لوگ ٹھیک تو ہو نا؟ میرے بھائی اور محمد صاحب ان کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی والدہ۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سپاہیوں، اور ہان صاحب کے پاس پہنچو جلدی۔ سپاہیوں جلدی کرو، تم سب بھی جاؤ۔ ہم یعنی شہر چلتے ہیں اور صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ چلو اندر خیمے میں چلتے ہیں، تم وہاں محفوظ رہو۔ شکریہ آپ کا، چلو۔ سلیمان صاحب آرام فرما رہے ہیں جیسے کہ انہیں آپ نے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ اس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دینے کا سوچا ہے،
यकीनन भरोसा करेंगे। जो कोई भी आपको जानता है वो आपके ख्वाब का हिस्सा बनना चाहता है जनाब, वो हमारे साथ है। ये बताइए जरा, क्या कोनिया की तरफ से कोई खबर आई है? शाम ढलते ही खबर आ जाएगी जनाब। हमारा एक जासूस सरहदी बाजार में मौजूद है, वो हमें फैसल के बारे में सारी खबरों से आगाह करेगा सरदार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाओ और लश्कर से कहो कि तैयार रहे। सुलेमान सरदार अपनी तैयारी के साथ आया है, हमारी भी तैयारी होनी चाहिए, और वो इसलिए कि सरदारान की हौसला अफजाई हो और वो भी अपनी तैयारियां शुरू करें। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, आपकी फौज में शामिल होने के लिए गाजी सिपाही हाजिर है उस्मान साहब। कोई भी हरगिज मेरे बगैर जंग में ना जाए। देखो जरा इसे। गाजी गाजी। अरे रुक जाओ जरा, जर कुत्ता है, रुको। गाजी बात सुनो मेरी, घुड़सवार ये आसान नहीं है। तालीम मुकम्मल हो गई तो मेरा इम्तिहान ले लीजिए। अच्छा तो ऐसा है, हाँ समझ गया। सिपाहियों जाइए अपने काम पे लग जाइए, मैं और गाजी अपनी मशक करेंगे। जो हुकुम जनाब। जो हुकुम जनाब। जो आपका हुकुम हो जनाब। चलो तुम भी जाओ जहर कुताए, जाओ जाओ जाओ। लाओ ये दो मुझे। अपने सरदार का मुकाबला कर सकते हो? हाँ। चलो आ जाओ। उसका सर कलम करने ही वाला था अगर उसके सिपाही ना आते। रुको रोहान, रुक जाओ, तुम्हारी वजह से हम इन दुश्मनों के शिकंजे में फंस गए। मेहमत पुरसुकून रहो, ये लड़ने का वक्त नहीं है, वो हमें ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएंगे। उनसे बचकर कहां भागोगे? पूरे जंगल में तुम्हारा खून बहा दूंगा। उस वक्त तक तुम नहीं रहोगे खून बहाने के लिए। हमला, चलो चलो चलो। कमांडर काराजी लसो, तबरेज से पैगाम आया है। हेलो, ये मुबारक खबर सुने बगैर उन्हें मरना नहीं चाहिए। आखिरकार वो खबर आ गई जिसका इंतजार था। अब से कोनिया का वली अहद हूं मैं। अमीर बरगन, इस जश्न में ढोल बजाना शुरू करो हमारे लिए। सियारूहों को खुश कर दो आज।
अस्सलाम वालेकुम दरवेश अफंदी। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारी दूसरी मुलाकात है ये। लगता है आप भी दोबारा जंग से आ रहे हैं। आए तशरीफ रखें और जख्म भी दिखाएं। जख्म इतना अहम नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन उससे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। आए बैठ जाएं, जख्म देखते हैं पहले। जी जरूर। या शाफी, बहुत शुक्रिया दरवेश अफंदी। अलबत्ता आपने कुफार से जंग जीत ली और आपके अंदर की जंग आप पर दबाव डाल रही है। एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ वालिदा, उनकी इजाजत के बगैर नहीं जानता कैसे कर पाऊंगा दरवेश अफंदी। वालदा की रजामंदी हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आपने अभी तक नाम नहीं बताया हमें। मोहब्बत का दर्जा बुलंद है क्योंकि मोहब्बत कदीम और अबदी है। जो लफ्ज मोहब्बत कहता है वो जो चाहे इजहार कर सकता है। बोलने वाला वही है और सुनने वाला भी वही है। वो सब कुछ देखने वाला और हिदायत देने वाला वही है। वही है जो तमाम अल्फाज कहता है। वही है जिसके जरिए तमाम नक्श जाहिर होते हैं। महलों में उसकी तस्वीर वाजे हो गई और इजहार भी करने लगे वो। तस्वीर के पास अब इजहार के लिए जबान है और जबान हिकमत का मजहर। तस्वीरें शोहरत का इजहार नहीं कर सकती और अल्फाज अपनी बात नहीं कर सकते। चीजें बगैर पर्दा नहीं हो सकती। यह पैगाम का खुलासा है। यह हमारा रिश्ता है और हमारी खुशी का जरिया भी। हमने जिस फूल से शरबत पिया वो इश्क का मशरूब है। सब कुछ उसी की तरफ लौट जाता है। वही है जिसने कहा और अल्फाज उसी के हैं। हम उसकी तरफ से हैं और उसी के हैं और ये तारीफ की जबान है। जो भी यूनुस का कलाम कहेगा उस पर कोई एतराज नहीं होगा। जो अपनी जिंदगी को अंधेरों में डाल देता है वो शुक्रगुजारी से महरूम रहता है। क्या दरवेश अफंदी, आपके अल्फाज के जो मुसन्निफ हैं वो यूनुस अमरे हैं? हमारा रब वही है जो हमें ये अल्फाज कहने पर मजबूर करता है। फकीर ताब्दुक अमरे का शागिर्द यूनुस है और ताब्दुक अमरे दरवेश है। ये ही वजह है कि मुझे यूनुस अमरे कहते हैं। हम इल्म के एक बहुत बड़े समंदर का सामना कर रहे हैं ये जाने बगैर। बहुत शुक्रिया। मेरे शेख कहते थे कि हाथ चूमने की जरूरत नहीं है। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। क्या आप जाने की इजाजत है हमें यूनुस अमरे? जी बिल्कुल है। शहजादे आ गए हैं और हान साहब और अलाउद्दीन साहब आ गए हैं। इधर आओ।
कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। खुशामदीद मेरे बच्चों। बहुत शुक्रिया। अलाउद्दीन। खुशामदीद बेटा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया वालिदा। बहुत शुक्रिया वालिदा। बहुत शुक्रिया। क्या आप जख्मी हैं? नहीं, ठीक हूं मैं। ठीक है फिर। बताओ जरा, तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं वालिदा। ठीक है, बाद में बात करेंगे। जरूर। ठीक है ठीक है। अब अगर आप लोग अपने बच्चों से मिल चुकी हैं तो चले बैठे, मुझे भूख लगी है। अच्छा, तो भूख लगी है तुम्हें? हाँ हाँ, भूख लगी है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। इसे हमारे बिल्कुल फिक्र नहीं है, तुम्हें भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, भूख लगी है। ये भी नहीं पूछ रही हूँ कि नहीं करे, नहीं करे भाई, ये बाबा को बता दो, नहीं करे भाई, तंग नहीं करे ना, ना करे ना। रुको, क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को तंग नहीं करो, ये क्या हो रहा है? चलो मेरी बेटी, बैठ जाओ बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। अब जो भी कर रहे हैं उससे वाकिफ हूं मैं, ऐसा हरगिज मत करो। अगर तो आप ऐसा करने से बाज नहीं आए तो बहुत भारी कीमत चुकाओगे, इसकी याद रखना। मत उलझो उस गीदड़ से, मेरे हुक्म के बगैर कोई हरकत ना हो। तो चलिए दस्तरखान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। अब बस बहुत हो गया बाबा, ये जो मेरे दो भाई हैं ना, इनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है। अब आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए ताकि इनकी बीवियां इनको सह सके। बहुत बोलने लगी हो, चुपचाप खाना खाओ। मुझे भी शादी करनी है उस्मान साहब, और वो भी गौंजा खातून से। चुप, बुरी बात होती है। किस पर चला गया ये? मुझ पर तो नहीं गया। बैठो। बैठ जाओ गाजी, बैठ जाओ, खाना खाओ, शाबाश। मैंने तो सिर्फ सच बोला। बहुत ही मजेदार खाने बने हैं। गाजी साहब, अगर आप अपनी वालिदा और बाबा के खिलाफ ना गए तो आपकी जल्द शादी हो जाएगी। वैसे गाजी समझदार है, ये कुछ भी करके एक न एक दिन वालिदा को राजी कर ही लेगा। हाँ तो, दुरुस्त कहा। अम्मी, आप गोंजा खातून का रिश्ता कब लेने जा रहे हैं? देखा जाएगा बाद में। क्या? मेरा मतलब गोंजा सरदार की बेटी है। हाँ। तुमसे शादी करेगी वो। क्या पता कोई सरदार का बेटा वो पसंद कर चुकी हो। क्या, कौन है वो? क्या आपको उसका नाम पता है? बताइए। जरूर तुम्हें बताऊंगा कि ढूंढ पाया हूं या नहीं, सब्र करो। मंगोलों के सामने ओरहान से इत्तेहाद करने पर मजबूर किया गया, लेकिन हमारी दुश्मनी बरकरार है। देखो बेटा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। बिल्कुल जरूर करेगा। हुलोफिरा से शादी करेगा और ये बात ओरहान को तबाह कर देगी। हमें इस मसले से दूर रखें खातून, खुद इसका ख्याल रखें, कुछ और चीजें मेहमत की मुंतजर हैं। उस्मान, 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 उस्मान सुल्तान बनने की कोशिश कर रहा है। आज तमाम सरदार उसके हाथ पर बैत करने वाले थे, लेकिन मैंने दीवान मुलतवी करवा दिया और कल दोबारा दीवान लगेगा। गानिमास सुल्तान, तमाम हजरात को तहायब भेजो और उन्हें बताओ कि हम
उनकी वफादारी पर उनके मशकूर हैं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। मेहमत, उस बदबख्त फैसल को मेरे पास लेके आओ ताकि हम खाली हाथ दीवान में ना जाएं। वहां फैसल का सर लेकर जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, अयान साहब कुछ मंगोलों और जंगजुओं के साथ यहां तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा है, उसे आने दो। तो अलाउद्दीन, बताओ हमें, क्या कुछ ऐसा है हा? क्या कुछ सोचा है तुमने? देखो कितनी खुश है तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी के लिए। मेरे पास अभी वक्त है बाबा। ओ, ये क्या है शहजादे? पता है अगर मैं आपकी जगह होता ना तो अब तक शादी कर चुका होता, वो भी गौंजा खातून से। खामोश हो। चुप कर। गाजी, गाजी, कितना बोलता है ये, बिल्कुल तुम पर गया। समझ से मेरा मासूम बेटा। खाना खाओ मेरे बेटे, खाना खाओ, खाना खाओ, मजे का है ना, मजे का है ना। मुंह खोलो अपना, और वो सब चुपचाप खाना खाओ। देखो इसे, खाना खाना खाओ, मुंह पे डाले इसके खाना। वैसे शहजादे ये तो बताए, क्या आप भी शादी के लिए इंतजार करेंगे? अगर मेरे वालिदैन इजाजत दें तो मैं इंतजार नहीं करना चाहता गाजी। एक सवाल है उस्मान साहब, मलहून खातून, आप लोग और आन साहब की शादी क्यों नहीं करते? राजी बेटा, ये मामलात वालिदा ही देखती है और ये बाप को फिक्र नहीं होती इस सब की। क्या मैं आ सकता हूं जनाब? हाँ आ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे जनाब, लेकिन एक अहम बात है। चलो मेरे बेटो, सिपाहियों चलो मेरे साथ, आ जाओ। फैसल के लिए आया हूं मैं। क्या कह रहे हो अयान आगा? अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूं आपसे। यह मेरी इल्तिजा है आपसे सुल्तान, उस फैसल नामी गद्दार का सर इस तलवार से उतारा जाए। क्या तुम ये सब कहने आए हो यहां अयान आगा? उसका सर इस तलवार से उतारें सुल्तान। मेरा करीबी दोस्त जिसे मैं अपना भाई समझता था, सलीबियों ने उसे शहीद कर दिया। इंतकाम लेना चाहता हूं मैं उससे अपना, इसीलिए आप इससे सर उतारें सुल्तान। दावते इस्लाम हम सबके दिलों की पुकार है मेरे सुल्तान। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इन कुफार की वजह से आज तक शदीद नुकसान उठाता आया हूं सुल्तान। इसके अलावा मैंने कुछ और भी सुना है सुल्तान मोहतरम, वो फैसल खलीज इंसान गद्दार हद से ज्यादा कीमती है सलीबियों के लिए।
मालूम है ये मुझे। वो अपने आदमी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो शैतान कहीं का किसे पता है किसके खजानों से किसकी नुमाइंदगी करता है, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं। इंतकाम बहुत अहम है आपके लिए। आप इंतकाम लेने के लिए तकफूरों के खजानों को अपने हाथ की पुश्त से जरूर अदायगी करेंगे। अयान आगा, इंतकाम सिर्फ जान लेने से नहीं हो सकता। कुछ लोगों का माल उनकी जान से ज्यादा कीमती होता है। हो सकता है उनका सोना और माल उन काफिरों की रूह को और भी जला देगा। मेरी बात सुने सुल्तान, सबसे पहले तो उसका सर उतार दीजिए। और आप जैसे अजीम सुल्तान के लिए आखिर सोने की अहमियत ही क्या है? बस चूंकि उस बदबख्त की कदर बड़ी है, हम उसे कत्ल नहीं करेंगे। कल हम फैसल को सलीबियों के हवाले कर देंगे और उसके बदले में उनसे सोना ले लेंगे। अयान आगा, तुम एक सौदागर आदमी हो, तुम हमारे काम आ सकते हो। तुम सलीबियों को हमारे मुतालबात से आगाह करोगे। तबादले के दौरान मेहमत तुम्हारे साथ होगा। चलो, खुदा हाफिज। आपका हुक्म सर आकोबर। बाबा, क्या हमें सोने की जरूरत है? एक पत्थर से दो शिकार मेरे बेटे। हमें सोने की जरूरत नहीं है अभी। हां, लेकिन हमें काफिरों की जड़ें खुश करने की जरूरत है। हम इन सब को खत्म कर देंगे, फिर उस्मान को देखेंगे और बाकी सरदारों को कि वो मुझे कैसे सुल्तान तस्लीम नहीं करते। याकूब साहब ने वसलिस गीदड़ को नहीं मारा। वो ये कैसे कर सकते हैं जनाब? वो खयानत की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। जनाब, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं... नहीं, बस हरगिज नहीं। हम उनकी चालों में नहीं पड़ेंगे भाई। हमारी मुहिम हमारे खिलाफ हो जाएगी अगर हमने उनके अजायम का पता ना लगाया। देखो मेरे बेटो, कल सिपाहियों के साथ आप लोग सरहदी बाजार जाओगे और वहां गीदड़ वासिलिस अगर देखो कि जिंदा है तो गर्मिया और कुफार का सोचे बगैर उसे कत्ल कर देना। जो आपका हुक्म जनाब। शुक्रिया। लेकिन हां, अभी सिर्फ यही नहीं, कोनिया से एक अहम खबर भी मिली है। तबरेज ने कोनिया में नया मंगोल वली अहद मुकर्रर किया है। उनकी तैयारियां जारी हैं। उनका बाजंतीनियों से भी इत्तेहाद हो गया और हथियारों के साथ एक बड़ा कारवां तैयार किया है और हिफाजत के लिए बाजंतीनियों को हुक्म दिया है। अगर बाजंतीनी सिपाही उनकी हिफाजत करते हैं, मतलब बड़ी तादाद में हम पर हमला करने की तैयारी है। मजबूत तैयारी की जरूरत है हमें जनाब। हाँ, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। गोगमान, शहजादे, क्या हुआ मेहमत? हाँ, क्या तुम डर गए थे कहीं मैं तुम्हारी टांग ना तोड़ दूं जैसे तुमने मेरी तोड़ी थी? नहीं तो तुम मुझे उस्मान समझना,
और ना उसका बेटा और हान, जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। सुबह होने दो, फिर सोचेंगे कि तुम्हारी जान कैसे ली जाए। रुकमान शहजादे, सुबह होने तक इससे कोई बात नहीं करेगा और ना ही कोई इसके पास आएगा, समझ गए? जो आपका हुक्म शहजादे। सुबह हमें कहीं निकलना है। मेहमत, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। बेहतर होगा खामोश हो जाओ, नहीं तो सुबह तक इंतजार नहीं करूंगा। बुरान जनाब, सुबह होते ही अपने माहिर जासूसों को उस रास्ते पर भेजो जहां से काफिला गुजरेगा, इंतहाई माहिर होने चाहिए। जो आपका हुक्म हुजूर। अगर तो ये बहुत मुश्किल है तो याद रखिए कि इसका इनाम भी बहुत अजीम होगा। उस काफिले में बहुत से हथियार हैं, याद रखिए, उन पे हमलावर होके और उनसे हथियार लेके हम लोगों में तकसीम कर सकते हैं। बताइए जरा इससे जंगजुओं की तादाद कितनी हो जाएगी? कम से कम 2-3 गुना हुजूर। अगर मुसल्ला बाशिंदे लड़ाई में हिस्सा लें तो कोई भी सरदार इस जंग के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। यह भी याद रहे कि यह मुकम्मल तनाजे में भी डाल सकता है। सरदार माफ कीजिएगा लेकिन ज्यादा जंगजू शहजादों के साथ जाएंगे और कुछ यहीं रहेंगे। आप जानते हैं कि क्या बेहतर है, लेकिन चूंकि संजाक्सिस इस वक्त हमारी नजरों में है और हमने आज तक उनसे नुकसान ही उठाया है, हर कदम पर धोखा ही मिला है, तो क्यों ना सरदार हुक्म दे इनको आगे जाने का, हम उनसे फायदा उठाएंगे। तुझे राय है तुम्हारी, हाँ आप बताइए आपकी राय क्या है? ये ठीक कह रहे हैं। वाकई ये तो एक अच्छा ख्याल है। ठीक है, अच्छा है, हम अगर उनमें से किसी को भी हमारे मंसूबे का इल्म नहीं होना चाहिए। जरकुताए जनाब, सरदारान को बताओ कि दीवान कहां है, हमले के फौरन बाद मैं वहीं जाऊंगा। जो आपका हुक्म हो। संजाक्षस को वहीं बुलाओ जहां हमला किया जाएगा और ये आखिरी मौका होगा उनके लिए। कौन जाने ये हमारा भी आखिरी मौका हो सकता है। अगर उस काफिले को हम रोक नहीं पाए तो उन जालिमों को भी हम फिर कभी रोक नहीं पाएंगे। अगर हम सरदारान को मुत्तहिद नहीं कर पाए तो कोई शक नहीं कि अपना वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। और हां, अगर हम कामयाब हो गए तो याद रहे कि उस सूरत कोई हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो इस पूरी दुनिया को एक दिन अपनी रियासत बनाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हुजूर, इंशाल्लाह। वालिदा, मेरी खूबसूरत वालिदा, चुप क्यों है? आपकी खामोशी अच्छी नहीं लगती। मैं जानता हूं आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन ऐसे खामोश मत रहें। देखें, अगर आप मेरे लिए दुआ नहीं करेंगी तो रास्ता कैसे आसान होगा? आप जानती हैं आपकी इजाजत के बगैर मैं कुछ भी नहीं करता वालिदा। हां, मगर होलोफेरा को चाह के भी मैं नहीं छोड़ सकता। आज मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है, आपको राजी करने के लिए कोई तरीका तो होगा। मैं आपकी बात को समझ गई हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझे। ठीक है फिर,
फेरा के लिए राजी हूं मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी कहिए ना, मुझे हर शर्त कबूल है आपकी। शर्त आप नहीं, हॉलोफेरा पूरी करेगी। क्या करेगी? उसे मुसलमान होना होगा। हॉलोफेरा को मुसलमान होना होगा। फातिमा, तुम फिर से बातें सुन रही हो? चुप रहे, दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। जबकि तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर ठीक है, यकीनन ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसे सिखाऊंगी कि सरदार की बीवी कैसे बनते हैं। मेरी वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मुझे पता था कि आप राजी हो जाएंगी। मेरी खूबसूरत वालिदा, बच्चों से मोहब्बत हर चीज से ज्यादा अहम है। फातिमा, तुमने सारी बातें सुन ली ना? बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें भी मुबारक। शुक्र है, शुक्र। मेरा एक भाई तो कामयाब हो गया, अब देखते हैं दूसरा क्या करता है। देखो तो कौन बोल रही है। लगता है तुम बहुत जल्द अपने दूसरे भाई से भी जान छुड़वा लोगी। आओ चलिए। वालिदा, अभी नहीं। क्या कहा मैंने? तुम मुझे सब कुछ बताओगे? बाला वालिदा, उस्मान साहब हमारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। जी हाँ, इंतजार कर रहे हैं। चलो आजो मेरे भाई, देर नहीं करते। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, फिर से मुझे बचा लिया आपने, बहुत शुक्रिया। हेलो फेरा, मेरी प्यारी बच्ची, देखो ये अच्छी अलामत नहीं है, तुम्हें यकसुई से कोई फैसला करना होगा। मैं बहुत उलझी हुई हूं सादत खातून। जानती हूं अच्छी तरह, जानती हूं कि ये औरहान के लिए भी मुश्किल होगा। आप समझ रही हैं ना? या फिर आप अब भी नहीं? औरहान का मामला खत्म हो गया है। मालहून खातून ठीक कह रही हैं, हमारे दरमियान कुछ एक सा नहीं। मलहून ने आपसे बात की थी क्या? जी बिल्कुल, मुझे यहां से जाने का कह रही थी वो। मैं समझ सकती हूं, वो औरहान को लेकर परेशान है। मुझे यहां पर अपना काम खत्म करना होगा, मैं यहां से जा रही हूं सादत खातून। सिर्फ मलहून के कहने की वजह से यहां से जा रही हो बेटी? कोई और वजह तो नहीं है न जाने की? नहीं तो, सिर्फ ये वजह नहीं है। औरहान की खातिर। आह मेरी प्यारी बच्ची, सबके लिए कुर्बानियां दे रही हैं आप हॉलोफेरा। आंखें खोल के गौर से देखो, औरहान की शादी है, उसका दिमाग और दिल शादी में लगा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है, अगर औरहान की मोहब्बत सच्ची थी तो वो इस वक्त आपसे शादी की तैयारी कर रहा होता। एक सच्ची मोहब्बत का मुकाबला मलहून तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ। मुझसे ज्यादा मेरे बेटे का दिल आपसे जुड़ा हुआ है, मैं चाहती हूं कि आप मेरी बहू बने। सोचूंगी मैं। आपसे इजाजत चाहती हूं। सादत खातून, गुलचे आपसे कुछ कहना चाहती है, इंतजार कर रही है। आने दो गुलचे। हाँ तो बताओ, क्या खबर लाई हो? आखिरकार अलाउद्दीन साहब ने गोंजा खातून से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। बहुत खूब। गोंजा ने क्या कहा फिर? गोंजा खातून ने
तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है मदरसे वाले, नहीं जानती क्या कहूं मैं। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरा खानदान। गौंजा, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो मेरी बच्ची? कुछ नहीं वालिदा। होलो फिरा के करीब रहो, वो जल्द तुम्हारे भाई से शादी करेगी। क्या ये शादी काई कबीले के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं कर देगी? क्यों खराब होंगे ताल्लुकात? औरहान की शादी आसमा से होगी, तुम्ही ने बताया था ना। लेकिन वालिदा, औरहान का दिल होलो फिरा से जुड़ा है, अगर ये शादी हो गई तो औरहान और भाई हमेशा के लिए दुश्मन रहेंगे। फिर तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो? यानी अलाउद्दीन और मैं एक दूसरे के मुखालिफ होंगे? ये मामला अलग है और वो मामला अलग। औरहान जब होलो फिरा से महरूम हो जाएगा तो वो अपने घर वालों का दुश्मन होगा, और फिर उस वक्त वही होगा जो हम चाहते हैं। और जब अलाउद्दीन तुम्हारे काबू में आ जाएगा तो तुम्हारे बाबा के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। अलाउद्दीन ने तुमसे इजहार किया, कहीं तुम उससे कुछ छुपा तो नहीं रही हो बेटी? नहीं वालिदा, अलाउद्दीन को मुझ पर भरोसा नहीं है, वो अपनी सुनता है। वो तुम्हारी बात सुनेगा, वो भी बहुत जल्द। गौंजा, अगर तुम ये काम नहीं कर सकोगी तो इस मामले को मैं खुद हल करूंगी। आप क्या करेंगी वालिदा? वक्त आने पर पता चल जाएगा। क्या करेंगी आप वालिदा? हाँ, मैं सुन रही हूँ बेटा। वालिदा। हाँ। मुझे गोंजा खातून से मोहब्बत हो गई है। ये खबर मेरे लिए नई नहीं है। मेरे शेर बेटे, तुमने आखिर एतराफ कर ही लिया ना? ना सिर्फ आपके सामने, गोंजा के सामने भी कर लिया मैंने। ये क्या किया? क्या वाकई कह दिया उसे? उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा। कैसे? क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती? फातिमा औरहान भाई की खबर लेकर आ गई उस वक्त, जवाब नहीं दे सकी। ओह अच्छा, खैर उम्मीद है कि जवाब जल्दी मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वालिदा, मैंने अपने दिल की बात सुनी, लेकिन मेरा दिमाग अब जानती हूं मैं तुम्हारा डर, जानती हूं मैं, इसी चीज से मैं भी खौफजदा हूं। गौंजा एक अच्छी लड़की है, मगर उसके वालिदैन हमारे खिलाफ हैं। तो इस बात से मैं समझूं कि नहीं, कुछ मत कहना अभी, ये सब कुछ तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें अपने इस दिल को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना, ना ही दिमाग को इजाजत देना कि वो दिल को नजरअंदाज करे।
इस फर्क को मैं कैसे समझूं? तुम्हें उसकी आंखों से पता चलेगा, और जो कुछ तुम देखोगे वही हकीकत है। शहजादी, क्या आज जो कुछ हुआ आप उसके बारे में सोच रही हैं? औरान, मुझे नहीं समझ पा रहा, वो कबूल नहीं कर पा रहा कि हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। लेकिन मैंने उसे पहली दफा इस कदर घबराते हुए देखा है, उसकी घबराहट से खौफजदा हो रही हूं। महमद साहब और वो, ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को मार डालेंगे। मुझे डर है कि कहीं आखिर में ऐसा ना हो कि काई और गर्मिया के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो जाए। लग रहा है जैसे किसी अंधेरे रास्ते पर खो गई हूं मैं। सिर्फ एक ही शख्स है जो आपको इस मुश्किल से निकाल सकता है, आपकी खाला। क्या हम उन्हें बताएं? हरगिज नहीं आंद्रे, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, समझ गई? मेरी खाला का आना किसी तबाही से कम नहीं होगा। यहां से चले जाना ही बेहतरीन हल है। लगता नहीं कि औरहान साहब हमारा पीछा छोड़ेंगे। जब आप शादी करेंगी वो तभी उम्मीद खोएंगे। और आप महमद साहब को क्या जवाब देंगी? आलजा, ये पोशाक तो बहुत प्यारी है, इसे सामने रखना। तुम्हारे जितनी नहीं। कोई भी चीज तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हो सकती। और हां, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहती हूं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हर मसले का हल निकाल लूंगा मैं। बोलो फिर, आप वालिदा और बाबा सब राजी हैं, अब हम शादी कर सकते हैं। कैसे? देखो, फिलहाल तो मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मगर जाने से पहले कुछ बताना चाहता हूं तुम्हें मैं। शादी होगी, हमारी शादी जरूर होगी होलोफेरा, मगर एक शर्त है। वालिदा मुसलमान करना चाहती हैं तुम्हें। और हां, तुम मुझसे ऐसी तवक्को कैसे कर सकते हो? तुम कह रहे हो कि मैं अपना दीन बदल दूं तुम्हारे लिए? होलोफेरा, चारा नहीं है और कोई। देखो औरान, ऐसी कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए तुम्हें। देखो, ये हमारे लिए है, कबूल करना होगा तुम्हें। कहाँ हो गोंजा, कहाँ हो? अलाउद्दीन। गोंजा, खुदा का शुक्र है, मुझे डर था कि मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। डरते भी हैं। आ
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक मुहिम पर जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। अभी यहां? गोंजा, अलाउद्दीन, चलो आओ चलते हैं। जवाब के लिए आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप सोचेंगी? तो ठीक है, आप सोचें। चालाक खातू, अपना ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। आज एक बड़ा दिन है, उस्मान और तमाम हजरात को दिखानी होगी गर्मियान की ताकत। उस काफिर वसलिस के पीछे कौन है, हमारे दरमियान कौन से जासूस भेजे गए, ये सारी बातें खुलकर सामने आएंगी और इसके बाद तुम इनमें से हर एक की गर्दन तोड़ोगे। मेहमत, ये तुम्हारी जीत है। दीवान और हजरात के सामने मुज़ाकरात का बड़ा नुक्ता होगा। उस दिन सब जान लेंगे कि उस्मान को सिर्फ बातें करना आती हैं। जहां तक याकूब साहब का ताल्लुक है, मतलब सुल्तान, आपका शुक्रिया बाबा। उसे जो भी लेने आएगा उसे हमारे गजब का सामना करना होगा। तमाम आलात मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बयान होगा कहां है? तबादला कहां होगा उसने सलेबियों को बता दिया। वो हमारे साथ ही जाएगा और हमारा इंतजार करेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा रास्ता आसान हो। खुदा तुम्हारी फतह में बरकत दे मेरे बेटे। तुम्हारा रास्ता आसान और हथियार मजबूत रहे बेटा। शुक्रिया वालिदा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हम फतह याब होंगे और वो खसारे में रहेंगे, यही नसीब है उनका। सही वक्त आ रहा है, बात कुछ अहम है। याकूब ने एक मंसूबा तैयार किया है। वासिलिस को सलीबियों के हाथों बेचकर उसे मारने से बाज रहेगा। बस इसलिए मुझे रोके रखा हो? याकूब धोखा दे रहा है तुम्हें। वो वासिलिस का सर सोने के अवज नहीं छोड़ेगा कभी भी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कारा जला सुन, वासिलिस के पीछे आखिर कौन सी ताकत है ये जानकर वो उसकी जान लेने का इरादा रखता है। कारा जला सुन, यानी वो तबादला नहीं बल्कि जंग चाहता है। हाँ वो जंग चाहता है। वो अपने सामने सलीबियों के एक छोटे से गिरोह की तवक्को कर रहा होगा और वहां कमानदार कारा जलसुन और उसके साथी और मेरे भी सिपाही एक बड़े लश्कर से जा मिलेंगे और इस दफा ये उनकी आखिरी जंग होगी। ठीक है, समझ गया, लेकिन ध्यान रखना कि शक न हो तुम पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। यकीनन शैतान भी तुमसे पना मांगता होगा।
अगर तुम्हारा मकसद पूरा हुआ तो बहुत फायदा पहुंचेगा तुम्हें। तुम कामयाब होगे मंगोल, यकीन करो कि आज तक अपने हदफ को इस कदर मैंने करीब से नहीं देखा जितना अब देख रहा हूं। काम शुरू करो। सर उठाओ जरा, अपने सर ऊपर उठाओ। क्या आवाज नहीं आ रही उस्मान साहब की? सर उठाओ अपने। तुम लोगों ने हमारे सरदारान पर हमला करके मुझे हकीर साबित करने की कोशिश की। उस्मान साहब, हम आपको जानते हैं कि आप क्या दर्द हासिल करना चाहते हैं। सरदारन को मारने के बाद आप वाहिद मजबूत क्यादत बन जाते। खून बहा के उन लोगों को मारने से रियासत कायम नहीं होती, ख्वाब बन के रह जाती है। आखिर तुम लोगों ने सोचा कैसे है करने का? इस हद तक पहुंच गए? हमारे पीछे कोई नहीं उस्मान साहब, हमने हमेशा इनकी साख तोड़ी है। संजाक्सिस सिर्फ संजाक्सिस का ही ख्याल रखते थे, लेकिन अब के बाइस हमने काफी कुछ सीखा। अभी और सीखोगे? हाँ, तुम जरूर सीखोगे। तुम दोनों को एक आखिरी मौका दे रहा हूं। हम उन पे हमला करेंगे और आगे तुम लोग जाओगे। जो हुक्म उस्मान सरदार। हम मर्दों की तरह जी तो ना सके, लेकिन मर्दों की तरह मरना चाहते। ये तो अल्लाह ही जानता है। हाँ। हमें कारवां मिल गया है हुजूर, वो अल्तनबाश में है। लेकिन उससे भी बुरी खबर है, मंगोल काफिर वहां डेरे डाले बैठे हैं। वो तादाद में ज्यादा है, जाहिर है वो वहां तबादला करने जा रहे हैं। जनाब, कुछ अर्ज करना चाहता हूं मैं। इनको मारने का इससे बेहतर मौका नहीं है। हम रुकेंगे नहीं बाइंदर, हमला करेंगे। उनके हथियार ही उनकी मौत का बायस होंगे। सिपाहियों, आ जाओ, इन्हें भी ले चलो साथ। आ जाओ। हथियार लाओ। यह तलवार खालिस लोहे से बनाई गई है और इसका वाहिद मकसद तुर्कों पर कयामत बर्पा करना है। जल्दी सोना लाओ। अब खाना लाओ। खाना बांटते हैं अपना। हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। हम मिलकर तुर्कों को बाहर निकाल कर रहेंगे।
मुझे बहुत याद आ रही हैं आप। आह, मेरा दिल, उफ। तुम इतना किसे याद कर रहे हो गाजी? और कौन हो सकता है, गोंजा खातून। गाजी, बहुत हो गया बस। गोंजा ये, गोंजा वो, यहाँ गोंजा, वहाँ गोंजा। एक माँ अपनी बहू के लिए ऐसा कहती है भला? बहुत मुँह चल रहा है इसका। मुँह बंद नहीं किया ना तो जूते की नोक चलेगी तुम पर। अभी सबको जाकर बता दीजिए, गोंजा खातून मेरी है और किसी की नहीं। निकलो यहाँ से, पड़ाया गोंजा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। गाजी को जब मालूम होगा तो वो तो बहुत रोएगा, क्योंकि अलाउद्दीन भाई ने गोंजा खातून से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया होगा। क्या तुम्हें यकीन इस बात पर? हाँ हाँ, देखें ये बात हमारे दरमियान रहे, किसी को पता ना चले, वरना अलाउद्दीन भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। काश ये सब कुछ मैंने सुना ना होता, अब मैं क्या करूंगी? किसी को तो बताना पड़ेगा ना, लेकिन अब करूं क्या, आखिर कैसे बताऊं? हाय अल्लाह, और कोई रास्ता भी नहीं है। एक काम करती हूं, मैं बात करती हूं गोंजा खातून से। सरदारान, संजाक्सिस के बिना सौदा करना जायज है क्या? हमारा हिस्सा कहाँ है, कहाँ है?